नमस्कार, लेवल स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। बोकारो के बालीडीह में डालमिया सीमेंट प्लांट फेज टू की आधारशिला सोमवार को भले ही रखी गई, लेकिन वहां के रैयत मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर कंपनी के आमने सामने हैं। जल किसके लिए, जंगल किसके लिए, जमीन किसके लिए, झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। 6 दिसंबर 2021 को बोकारो के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया सीमेंट के ग्राइंडिंग यूनिट 2 के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जब चल रही थी, तो एक तरफ नींद थी, एक तरफ रोटी थी, एक तरफ इज्जत थी, एक तरफ तिरस्कार था। जानते हैं क्यों? क्योंकि झारखंड के लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे थे और कहीं द्वार बंद भी किए जा रहे थे। रोजगार के नहीं, जेल के। और जिनके लिए द्वार बंद हो रहे थे वो थे रैयत, बालीडीह के रैयत, जल जंगल जमीन वाले वो रैयत जिन्होंने अपनी जमीन दी डालमिया सीमेंट को, ताकि उन्हें नियोजन मिले, मुआवजा मिले और झारखंड को विकास मिले। पर हुआ क्या उनके साथ, खुद सुनिए उन्हीं रैयतों से। डालमिया द्वारा कल ही मिला था हमको पत्र, तो आए उसके बाद फिर हम लोग संघ के माध्यम से बोला कि हम लोग एक तरह से रैयत भी हैं, और अगर निमंत्रण दिया गया उसी के आलोक में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका आदर सम्मान के साथ हम लोग का जो रैयत का मांग पत्र है उनको मांग पत्र सौंपा जाएगा। ठीक है, यही के अनुसार हम लोग गए, वहाँ पे खड़े रहे, इंतजार कर रहे थे। अचानक फिर हम लोग को पास मिला था, हम लोग सोच जाएंगे टेंट के सामने, वहाँ अंदर में जो उद्घाटन जहाँ से न्यास होगा हम लोग वहाँ पर जाकर बैठेंगे, और वहाँ पर इन्वाइट कार्ड हम लोग दिखाए जैसे सिक्योरिटी गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड हम लोग से इन्वाइट कार्ड छीन लिया गया, इन्वाइट कार्ड छीन लिया गया। तो हम बोले कि आप निमंत्रण दे के इसी तरह आप व्यवहार करते हैं क्या, कोई भी मेहमान को बुला के इसी तरह व्यवहार करते हैं? तो इतना कह के हम वहाँ से चल गए। उतना में सेक्रेटरी इंचार्ज थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि ये लड़का लोग हो सके हल्ला वल्ला करेगा, इन लोग को उठा के आप ले जाइए। उनके इशारे पर हम लोग को यहाँ से उठा के लाया गया। कई बार ऐसा हुआ है जब डालमिया सीमेंट्स और रैयत आमने सामने आए हैं, कई बार स्थितियां तनावपूर्ण भी हुई, पर जो मूलभूत सवाल है वो ऐसा है कि भाई ये ऐसा होता क्यों? एक बार नहीं, बार बार ये सोचना है हमको भी, आपको भी और सबको। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और रुक करेंगे बोकारो का, सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ है। सुरेंद्र, रैयतों ने अपनी जमीन दी, मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था, नियोजन नीति के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ उन्हें इनवाइट भी किया गया, दूसरी तरफ उन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया गया, ये कितना जायज था रैयतों के लिए? देखिए, यह सरकार जल जंगल और जमीन की सरकार है, और जिस तरह से डालमिया सीमेंट फेज टू में विस्थापितों ने कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, और मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विस्थापितों के बीच वार्ता हुआ था, और विस्थापितों को 44 विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नियोजन देने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद जो विस्थापित थे, जिन जो रैयत है जिनकी जमीन गई है, उन्होंने इससे इनकार कर दिया और फिर वापस भूख हड़ताल पर बैठ गए। और सीएम के कार्यक्रम के एक दिन पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह से उन्हें मना कर हटाया गया, लेकिन जब कल सीएम वहां पर पहुंचे और ये 8 विस्थापित जब वहां सीएम से मिलने की बात कही, क्योंकि इनको इनविटेशन भी दिया गया था और अपना ज्ञापन सौंपने के लिए सीएम से वो बात कर रहे थे,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया है कि डालमिया की ओर से उन्हें बालीडीह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उनको बालीडीह थाने ले आया गया, जिससे वो काफी आक्रोशित हैं और आज पुनः धरने पर बैठ गए हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य सरकार का बार बार यह कहना है कि जो स्थानीय हैं उनको 75% नियोजन देना है, लेकिन जिस तरह से डालमिया में यह देखा जा रहा है कि उनको नियोजन नहीं मिल रहा है और नियोजन देने की अगर बात की जा रही है तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू की जा रही है, तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार कर रही है उसका पालन डालमिया नहीं कर रहा है। अगर लोगों को नियोजन मिलता जिनकी जमीन गई है तो वह ऐसा आंदोलन नहीं करते। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि कई ऐसे रैयत हैं जिनका कहना है कि हमें जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है और मेरी जमीन जो गई है कई वर्ष पहले हमने जमीन जिस रेट से दिया था वो उस समय का रेट कुछ और था और अभी जब डालमिया को यह जमीन दिया गया है तो इस समय के हिसाब से भी हमें इसका पैसा मिलना चाहिए और हम विस्थापितों को नियोजन भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार यह विस्थापित आंदोलनरत हैं और इनका कहना है कि हमें नियोजन और मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन डालमिया की हट धर्मी देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह जमीन हमें बियाडा की ओर से मिला है और यह बियाडा ने हमें जमीन दी है, वो जमीन चाहे जिसकी भी हो हम जो है उसका पालन कैसे करेंगे। लेकिन जिसकी जमीन गई है, जिनको जिन्होंने जमीन दिया है और उनके परिवार में अगर रोजी रोटी की बात आ रही है तो उन विस्थापितों को नियोजन अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और इनके बीच वार्ता हुई और इस वार्ता में भी सहमति बनी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जिसका इन्होंने विरोध किया शुरू से ही लगातार यह कह रहे हैं कि हमें अस्थाई नियोजन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी डालमिया की ओर से पहल नहीं किया जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि यह विस्थापित किस तरह से अपने आंदोलन को और तेज करते हैं और क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से रैयतों के साथ डालमिया ने किया है वो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ये वो रैयत है जिन्होंने डालमिया को अपनी जमीन दी और उन्हें उसका मुआवजा भी नहीं मिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।